और क्या बात है, यहाँ से अच्छा लगता है, यहाँ से बढ़िया निकलता है यार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तानिको। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं आप रहा आपका कालकाजी मंदिर जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे आया हूँ मैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े अक्षर से लिखा हुआ है कालकाजी मंदिर, देख रहा है। और ये लास्ट स्टॉप है आपको लोटस टेम्पल। और वीडियो को पसंद आया तो आप लोग प्लीज़, जो भी आप पहली बार देख रहा है, प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगेगा। सो मैं यहाँ से अभी निकलता हूँ लोटस टेम्पल के लिए। यहाँ से 11 मिनट चल के जाएगा, तो 11 वीडियो के अंदर चलते हैं, देखते रहिए आप। ऐसे बाहर आते ही इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो और जो मतलब ऑटो है, सब कुछ है यहाँ पे। देखिए, उससे पहले आप गूगल मैप में जाइएगा, गूगल मैप में जाके कितना दूर है वो निकालिएगा, उसके बाद आप चल के जा सकते हैं तो जाइएगा। ये दोस्तों कालकाजी मंदिर है, मतलब क्या बोलते हैं, काली माता का बहन है शायद, उनका मंदिर है। और दुर्गा पूजा का टाइम भी हो गया, बहुत सारा मतलब ये है, यहाँ पर चप्पल रहने की जगह भी यहाँ पे। और यहीं से मैं लोटस टेम्पल जाने वाला हूँ, नज़दीकी है, मतलब 4-5 मिनट लगेगा। अभी ये मंदिर में लेके जाना है तो मंदिर लेके जा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब दो मंदिर एक ही साथ में है इसके लिए, जो कि कालकाजी मंदिर है और उसके साथ साथ लोटस टेम्पल भी है, तो इसके लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। लाइन तो लंबा लाइन है यार, देखिए कितने लोग आ रहे हैं वहाँ पे। भगवान के घर पे जाने के लिए अभी लंबा लाइन है, अभी यहीं पे लाइन लगना पड़ेगा शायद, पता नहीं। और ये पता नहीं कौन सा टेम्पल का है, लोटस टेम्पल के लिए तो ये लाइन लगाना पड़ेगा मुझे, तो देखते हैं उससे पहले कौन सा लाइन है ये, उसके बाद में जाएगा। वैसे कालकाजी मंदिर के लिए भी जा सकता है ये शायद, उसके लिए लाइन है शायद, मेरा पता नहीं, फिर भी देखेंगे पहले कौन से मंदिर के लिए लाइन है ये। खतरनाक लाइन है यार दोस्तों, यही लाइन है, अब यही लाइन से रुकना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे फॉरेनर्स भी है, बाहर के लोग भी है, बहुत लंबा लाइन है, लाइन छोड़ के आया मैंने, कोई बात नहीं, अभी लाइन पकड़ लेंगे, और उपाय नहीं है, बिना लाइन आगे तो नहीं जा सकता। वो दोस्तों लाइन के अंदर घुसते ही, मतलब गेट के अंदर घुसते ही मेरे को ये नज़ारा मिला, मतलब बाहर इतने खूबसूरत से गार्डन भी है। लोटस टेम्पल की तरफ जाने वाला जो रोड है, मतलब रास्ते हैं, ये ऐसा है, मतलब बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं, और ऊपर से गार्डन बहुत खूबसूरत है। क्या बात है यार, लोग कितने लाइन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई मतलब सभी धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, मतलब एक ही धर्म का लोग नहीं है, सब धर्म के लोग आ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है, आपको अगर जानना चाहिए तो यहाँ पे है, साथ अंदर है, कुछ जानना है तो ये टेम्पल के बारे में। ये रहा दोस्तों, दूर से कैसे लग रहे। वेल दोस्तों, फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया, जो आप लोग हमेशा देखना चाहते थे, लोटस टेम्पल। और ये लोटस टेम्पल सामने ही आप देख रहे हैं, मेरा सामने ही है दोस्तों। कैसे लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और अंदर जाने की कोशिश करेंगे मैं, क्योंकि शायद अंदर जाने के लिए एंट्री कुछ नहीं है, एंट्री फीस नहीं लेते, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए एंट्री फीस नहीं है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली टेम्पल है ये, डिज़ाइन किया था ईरानियन एक आर्किटेक्चर ने, ये किया था, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट किया था, बनाया था इसको। और ये 1986 में ओपन किया पब्लिकली ये जो टेम्पल है, तभी ये इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ईरानियन जो आर्किटेक्चर था जिसने बनाया, ये डिज़ाइन देख के लोग अभी देखने लगा, कमल फूल का जैसे मतलब बनाया, मस्त लगता है यार दोस्त। दोस्तों देखिए, मैंने मतलब बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है, सही है ना। मैं सामने आपको दिखाएंगे, मैं अंदर जाके दिखाएंगे, और वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करेंगे कुछ। और दोस्तों अभी अगर मंदिर पे अंदर आना है, मंदिर के अंदर जाना है, तो मुझे जूते निकाल के अंदर जाना पड़ेगा, मुझे उठा के। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जूते निकाल के बैग में डालूँ, उसके बाद अंदर जाऊँ मैं, ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे। बहुत सारे भीड़ है, वो बहुत लंबा लाइन है यहाँ पे।
अभी मैं सामने जा रहा हूँ, मतलब मंदिर के पास। और वैसे लगता है मुझे मंदिर से बाहर ही अच्छा लगता है देखने के लिए, लेकिन सामने पता नहीं अभी कैसा लगेगा, फिर भी देखते हैं। बहुत लंबा लाइन है और ऊपर से क्या बोलूँ मैं, ऊपर से जूते रख के आना पड़ता है। लेकिन चले दोस्तों अंदर जाते हैं अभी। और यहाँ पे जूते पहनना अलाउ नहीं है, चप्पल पहनना अलाउ नहीं है, आपको खाली पैर निकल जाना पड़ेगा। मोजा तो पहन सकते हैं, सॉक्स पहन सकते हैं। क्या स्विमिंग पूल तो नहीं है, क्या बात है, बढ़िया। मार्बल पत्थर है बनवा साइड भाई, मार्बल पत्थर है किससे बनाया, मार्बल पत्थर से बनाया, कितने लोग हैं यार। दोस्तों अंदर आने के बाद आपको कोई आवाज़ नहीं करना है, क्योंकि ये इकोसिस्टम है। आप अगर एक आवाज़ करेगा यहाँ पे, ये रूम के अंदर ही बसते रहेगा, तो ऐसा है। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, और अंदर जाने के टाइम पे बहुत शान से अंदर जाना पड़ेगा आपको। ये एक तरह का मतलब मेडिटेशन प्लेस है। यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं और अपने मन की बातें करते हैं। जिसको अपना मन में जो है वो पूजा करना चाहिए। यहाँ पे कोई आपका मंदिर या कुछ नहीं है, या पिक्चर कुछ नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं है अंदर, ऐसा ही बनाया है। देखिए यहाँ पे भगवान का नाम लेना है खुद दिल से। मैं तो अभी थोड़ा वीडियो बनाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा प्रार्थना करेंगे, मैं प्रे करेंगे अपने आप को, ताकि देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका मन की बात, मन ही में बात करना है और भगवान से प्रार्थना करना है यहाँ पे बैठ के। देखिए अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, क्योंकि प्रे खत्म हो गया, प्रे कर दिया मैंने, तो इसके लिए यहाँ से बाहर निकलेंगे अभी। और हर धर्म के लोग आ सकते हैं यहाँ पे, भगवान के नाम ले सकते हैं। ये बिल्कुल मार्बल पत्थर से बनाया हुआ है यार, अंदर जाके लेके दिखाया आप लोग को। और यहाँ अब हो गया, यहाँ से निकलना है अभी। अभी मुझे अक्षरधाम टेम्पल जाना है, मुझे शायद काफ़ी दूर रहेगा यहाँ से। कितने लोग हैं देख, लोगों की पूरा भीड़ लग गया। चलने का अच्छा रोड भी नहीं है अभी, अपना मन की दुआ करने का, मन की कुछ हिस्सा है वो पूरा कर देते हैं भगवान, ऐसे बोलते हैं लोग। तो जो मर्जी वही आप मांग सकते हैं, यहाँ पे कोई एक धर्म का नहीं है, सभी धर्म का है, सब लोग आ सकते हैं। और क्या बात है, यहाँ से अच्छा लगता है, यहाँ से बढ़िया निकलता है यार। दोस्तों अंदर से ज़्यादा बाहर से अच्छा लगता है एक्चुअली, बाहर से बहुत खूबसूरत दिखता है। जैसे कि मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो ओपेरा हाउस है, उसी का जैसा ही मतलब डिज़ाइन बनाया थोड़ा, मतलब उसका जो कर्व है सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये मार्बल पत्थर से बनाया हुआ है। वेल दोस्तों आज का जो ये लोटस टेम्पल का ट्रैवलिंग वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट करके, जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ बाय 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 करो, बाय बाय बाय। और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।